नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाष। दोस्तों, हमारे रेल मंत्री जी ने अप्रैल के महीने में एक अनाउंसमेंट की थी। अनाउंसमेंट ये थी कि दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस, जिसे बंद कर दिया गया था दिसंबर के महीने में, उसे हमारी रेलवे फिर से चालू करेगी। और दोस्तों, जैसा कि रेल मंत्री जी ने कहा था, वैसे तो ट्रेन नहीं चली, 5 अप्रैल से उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, मध्य अप्रैल में आके ट्रेन को चलाया गया। और उम्मीद यहाँ पे ये थी कि दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस अब एक स्थायी ट्रेन बन गई है, 4-4, 5-5 महीनों के लिए इस ट्रेन का एक्सटेंशन होगा और ये ट्रेन हमेशा चलती रहेगी। लेकिन एक बार फिर से दरभंगा जंक्शन को रेलवे ने एक बड़ा झटका दिया है और इस ट्रेन को फिर से बंद कर दिया है। दोस्तों, आज है 30 मई और कल जब ये ट्रेन दरभंगा से चलेगी तब इस ट्रेन का ये अंतिम रन होगा। उसके बाद ये ट्रेन दरभंगा से नहीं चलेगी और जब ये ट्रेन 2 जून को चलेगी अजमेर रेलवे स्टेशन से, तब ये ट्रेन अजमेर से आखिरी बार चलेगी दरभंगा के लिए। उसके बाद इस ट्रेन को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, हालांकि अभी दरभंगा से अजमेर के लिए एक दूसरी ट्रेन चल रही है जो कि दरभंगा से अहमदाबाद तक जाती है वाया जयपुर अजमेर होते हुए, जिस कारण से कनेक्टिविटी तो है, लेकिन जो दूसरी ट्रेन भी है वो भी जून के महीने में बंद होने वाली है, जिसके बाद जो कनेक्टिविटी है दरभंगा से अजमेर की वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस ट्रेन पे आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं।